अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जायका मस्ती बाय ज़ैनब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर सैलड की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक अदद खीरा लेंगे। खीरे को इस तरह हम छिलके समेत कटिंग करेंगे। आजकल गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, दोपहर का कुछ भी दिल नहीं करता खाने को, तो कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करता है, तो मैं ये सैलड अक्सर बना लेती हूँ। ये सैलड बहुत ही इजी भी है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वही चीज़ें आप इसमें ऐड करें, जो जो आपके पास अवेलेबल हैं वो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकती हैं। और ये सैलड जो लोग डाइट पे भी हैं वो लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, और मेरे पास जो जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी वो मैंने इसमें ऐड की हैं। हरा प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, और उसके बाद स्वीट कॉर्न और ब्लैक ऑलिव्स, और फिर बाद में मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज भी ऐड की थी। सब चीज़ों की कटिंग आपने सीक्वेंस के साथ करनी है ताकि सैलड देखने में भी मज़े का लगे। खाने में तो ये मज़े का है ही, लेकिन देखने में भी चीज़ मज़े की लगनी चाहिए, फिर ही दिल करता है कोई चीज़ खाने को। उसके बाद मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड की। स्ट्रॉबेरीज ऐड करते हुए मेरा छोटा बेटा इब्राहिम वो आ गया और कह रहा था कि अम्मा मैंने भी खानी है स्ट्रॉबेरीज, उसको बहुत उसकी फेवरेट है स्ट्रॉबेरीज ना, तो वो फिर लाजमी जब भी मैं कटिंग करती हूँ लाजमी आके मेरे से लेके जाता है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न और ब्लैक ऑलिव्स। अगर नहीं है आपके पास ब्लैक ऑलिव्स तो कोई मसला नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो जो आपके पास चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं वो आप चीज़ें इसमें ऐड कर सकती हैं। फिर एक खाने का चम्मच लेमन जूस, थोड़ा सा नमक, और फिर सफ़ेद मिर्च, अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है काली मिर्च है तो काली मिर्च भी आप ऐड कर सकती हैं। फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखें इसकी लुक जो थी वो इस तरह से थी, देखने में बहुत ही मज़े का लग रहा था और खाने में भी उतना ही मज़े का था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।